वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष की बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसे अभूज मुहूर्त भी कहते हैं। इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है और कुछ सरल और आसान उपाय बताए गए हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी, जिससे व्यक्ति को उसकी जिंदगी में काफी धन लाभ मिलेगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के जो छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी जो हैं, उनकी जयंती भी रहती है। यह एक अभूज मुहूर्त माना जाता है। वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ 3.5 मुहूर्त कहे गए हैं, उनमें से भी एक मुहूर्त अक्षय तृतीया को माना जाता है। किसी आवश्यकता होने पर बिना विचार के अक्षय तृतीया के दिन शुभ मांगलिक कर्म भी किए जा सकते हैं, ऐसा अक्षय तृतीया का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया होने जा रही है और सूर्य उदय से लेकर के दोपहर में 12:18 तक पूजन करने का विशेष मुहूर्त है। इस समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान श्री परशुराम जी का हमको पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, उनका अभिषेक करें श्री सूक्त और पुरुषोक्त के द्वारा। भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, या आपके गुरु मंत्र का या किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। अक्षय तृतीया है इस तिथि का नाम, अर्थात अक्षय फल देने वाली है। जिस दिन आप जितना भगवान का भजन पूजन करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना ही आपको अक्षय गुना जो है फल की आपको प्राप्ति होगी। और इस दिन एक कलश का या मिट्टी के घड़े का भी पूजन करके उस कलश में मिट्टी के घड़े में जल भर करके किसी ब्राह्मण को दान देने का भी बड़ा महत्व है, इससे भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान करें ब्राह्मणों को, और अन्य अन्य जो भी आप दान करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, उस दान का आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये तो अक्षय तृतीया का महत्व, पूजन और मुहूर्त हो गया। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी प्रकार का विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इस तिथि के दिन किसी विशेष प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करने का कोई उपाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे 4 उपाय हम आपको बताते हैं। इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी जी कृपा होगी, धन का आगमन होगा, आपकी वृद्धि होगी, उन्नति होगी। तो पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात 108 लक्ष्मी जी के जो नाम कहे गए हैं, उन नामों के द्वारा एक एक नाम लेकर के भगवती महालक्ष्मी को कमल का पुष्प या कमल गटा या गुलाब का पुष्प एक एक करके भगवती को अर्पित करना चाहिए। 108 नामों के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का अर्चन करें। श्री सूक्त के द्वारा ही हवन करना चाहिए। श्री सूक्त का आप हवन करें तो बेलपत्र, बेलफल, शुद्ध घी, कमल गट्टे इत्यादि का उपयोग करके यदि आप लक्ष्मी जी का हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको लक्ष्मी जी कृपा प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। यदि आप समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो देवी जी को उस दिन भगवती को हल्दी और केसर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कई समस्याओं का निदान भी होगा। सुख, सौभाग्य, समृद्धि आप चाहते हैं तो इस दिन आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको नए आम के पत्तों का एक नया तोरण लगाना चाहिए, बंधन बार लगाना चाहिए, उस तोरण का पूजन करें और द्वार पर जो है द्वार श्री का पूजन करते हुए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उन्नति और समृद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा स्वर्ण खरीदें, सोने का सिक्का खरीदें या कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उस स्वर्ण को जो आप खरीद करके लाए हैं अपने घर में उत्तर दिशा में रखें, उसका पूजन करें और 24 घंटे तक उत्तर दिशा में स्वर्ण को रखे रहने दें और तत्पश्चात फिर स्वर्ण को
अपनी तिजोरी में अलमारी में जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रखें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी।